क्लास फिफ्थ ISSO सोशल स्टडीज़ की ओलंपियाड वर्कबुक के रिगार्डिंग आज हम लोग करेंगे चैप्टर 10 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आंसर्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ एन ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल क्या होता है बच्चों, जिसे आप सुन भी सकते हो, जिसे आप देख भी सकते हो, एंड कम्युनिकेशन संचार का माध्यम कौन सा है। तो टीवी एक ऐसा कम्युनिकेशन का सोर्स है, मीन है, जिसे आप सुन सकते हो, देख सकते हो, लेकिन रेडियो केवल आप सुन सकते हो, मैगजीन केवल आप पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर केवल आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ रेलवेज़। तो बच्चों, फादर ऑफ रेलवेज़ हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, है ना, जॉर्ज स्टेफनसन, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया है बच्चों NH44, नेशनल हाईवे 44। देखो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को किसके साथ कनेक्ट करता है, कन्याकुमारी के साथ। कितना लंबा होगा, यू कैन इमेजिन, कन्याकुमारी के साथ। ना क्वेश्चन नंबर 4, पनामा कनाल जो है वो लिंक करती है पैसिफिक ओशन को बच्चों अटलांटिक ओशन के साथ। किसके साथ करती है, पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, इन्वेंशन ऑफ डैश ब्रॉट द फर्स्ट एवर रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो बच्चों व्हील, देखो जब व्हील की खोज हुई तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन थी, क्योंकि अगर पहिए है ना, अगर मान लो कि कोई गाड़ी है और वो बिना पहिए की है, तो हाउ कुड यू गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो ये, और अगर सपोज़ कर लो आपको स्कूल में पैदल जाना पड़े, आपको अगर एक शहर से दूसरे शहर पैदल जाना पड़े, है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, इज़ इट पॉसिबल कि आप जा सकते हो, नहीं। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है इन द हिस्ट्री के आप, तो बहुत 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 बड़ा रेवोल्यूशन है ये इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड व्हील का होना। ना क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन सा है, तो बच्चों ये है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है आपका USA में। याद ही करना पड़ेगा आपको, है ना, वेस्टर्न पार्ट में है, तो क्या है वेस्टर्न पार्ट में, USA है वर्ल्ड के, और उसमें से देख लीजिए कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ आता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ एन ऑडियो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑडियो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है, टेलीफोन है, जिसे केवल आप सुन सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ़ द फॉलोइंग वॉज नॉट यूज इन द ओल्डन डेज टू कन्वे मैसेज। किसका यूज़ पुराने समय में नहीं होता था मैसेज भेजने के लिए, होमिंग पिजन्स होता था, कबूतर भेजते थे, ह्यूमन मैसेंजर्स एलिफेंट्स के ज़रिए हम लोग भेजते थे, लेकिन बच्चों स्मोक सिग्नल्स नहीं होते थे, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग रोड्स कनेक्ट इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना को कनेक्ट करने वाली है बच्चों हिंदुस्तान तिब्बत रोड। कौन सी है, हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है वो कनेक्ट करती है इंडिया और चाइना को, एक इंटरनेशनल हाईवे है ये। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ़ द फॉलोइंग रोड्स वाज बिल्ट बाय शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी ने GT रोड बनाई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 सेलेक्ट करना है हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहला है उसने बोला अ फैक्स मशीन वर्क्स थ्रू टेलीफोन लाइंस। बिल्कुल, एक फैक्स मशीन जो है वो टेलीफोन लाइंस के ज़रिए ही काम करती है। अब आजकल तो काफ़ी कम हो गया इसका चलन, लेकिन पहले काफ़ी था। मोर्स कोड इज़ अ कोडेड लैंग्वेज ऑफ डॉट्स एंड क्रॉसेस। देखो बच्चों, जो मोर्स कोड है ना, ये कोडेड लैंग्वेज है डॉट्स एंड क्रॉसेस नहीं, डॉट्स एंड डैशेस की है ये, डॉट्स एंड डैशेस इस तरीके से, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर जो आएगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन बी होगा।
ना क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कम्युनिकेशन विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। तो ये आपके पास न्यूज़पेपर भी है, मैगजीन्स भी है ना, क्योंकि एक ही समय पर बहुत सारे लोग इसको पढ़ रहे होते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले तो उसने कहा है कि इसको, इस अनस्क्रैम्बल को क्या करेंगे आप, स्क्रैम्बल करेंगे, तो आप इसको स्क्रैम्बल करेंगे तो ये बन रहा है मेरे पास इंटरनेट। क्या बन रहा है? इंटरनेट। अब उसने क्या बोला है इसके रिगार्डिंग, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। विद द हेल्प ऑफ इट मैसेजेस कैन बी सेंड इंस्टेंटली टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बिल्कुल भेज सकते हैं, ये तो करेक्ट है भैया। नाउ इट कैन बी असेस्ड थ्रू स्मार्टफोन्स ओनली, नहीं केवल स्मार्टफोन से ही नहीं, और भी बहुत सारे जरिए हैं, तो ये इनकरेक्ट है। इट डजंट हेल्प इन ई बैंक, करता है ना ये, क्यों नहीं करता बच्चों, ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर जो है वो इसका आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, डैश इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ जापान, जापान की फास्टेस्ट ट्रेन बुलेट ट्रेन है। आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा इसका आंसर पहले से। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द नेम ऑफ द एयरपोर्ट विद द सिटी, सिटी के साथ हमें इनकरेक्ट मैच जो है वो देखना है। देखो अगर बात करें हैथ्रू एयरपोर्ट की, तो ये सिंगापुर में नहीं है, तो बच्चों ये कहाँ है फिर, ये है लंदन में, ये कहाँ है, लंदन में है। तो इनकरेक्ट पूछा था तो पहले ही निकल गई। अगले वाले भी आप याद कर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट की, तो ये पेरिस में है। अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये चेन्नई में है। जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये न्यूयॉर्क में है। ये सारे के सारे आपको याद करने ही पड़ेंगे बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डैश एंड डैश आर द मोस्ट एंशियंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पुराने कौन कौन से हैं, ये है आपके राफ्ट्स एंड कैनोस, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ट्रांसमिशन, किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है गुग्लीलुमो मार्कोनी को, ठीक है जी। तो मार्कोनी आप ये नाम याद रख लीजिएगा, मार्कोनी ही नायक रख लीजिएगा, है ना। पूरा तो याद रखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। तो मार्कोनी का जो नाम है वो रेडियो ट्रांसमिशन से आप, डिस्टेंस ट्रांसमिशन से आप जो है जोड़ सकते हैं, मतलब डिस्टेंस को मार्क करना, डिस्टेंस को मार्क करना, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। केवल याद करने के हिसाब से बता रही हूँ मैं। रेफर टू द गिवन लिस्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन करेक्टली। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये सिनेमा है, इंटरनेट भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है, लेकिन ये नहीं है, फैक्स और लैंडलाइन नहीं है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, बस ये पर यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो फैक्स और लैंडलाइन फ़ोन है ना बच्चों, ये पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये क्या है? पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये याद रखना है आपको। जबकि अगर ये बात करें तो मास कम्युनिकेशन, मास यानी कि बहुत सारे लोगों तक अगर हमने अपनी बात को पहुँचाना है, तो वो सिनेमा, इंटरनेट और एडवर्टाइजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला इसमें, मोस्ट एक्सपेंसिव। तो इसमें आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि मोस्ट एक्सपेंसिव तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ना क्वेश्चन नंबर 20, टू लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोरर्स ट्रेवल टू डिस्टेंट लैंड्स ऑफन डिस्कवरिंग न्यू नेशंस कल्चर्स एंड ट्रेड राउट्स। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो एक्सप्लोरर्स होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं बहुत दूर दराज की जगहों पर, वो जाते हैं और नए नेशन, नए कल्चर, नए ट्रेड्स, नए रूट्स के बारे में वो जानकारी प्राप्त करते हैं। वन सच एक्सप्लोरर वॉज, एक ऐसा एक्सप्लोरर जो था, अब देखते हैं वो क्या, कौन था भैया, बहुत सारे थे। वो एक वेनेटियन मर्चेंट था जो रहता था 13th century में ही। ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम यूरोप टू चाइना, यूरोप टू चाइना एंड मंगोलिया। यूरोप से वो चाइना गया, मंगोलिया गया, और उसने एंड रोट ट्रेवलॉग
डिस्क्राइबिंग हिज जर्नी, उसने ट्रेवलॉग लिखा जिसमें उसने अपनी जर्नी के बारे में बताया। तो बच्चों वो था मार्को पोलो। कौन था वो? मार्को पोलो, जो यूरोप से चाइना गया था। ऐसे याद रख सकते हैं, चाइना मंगोलिया गया पोलो खेलने, जस्ट फॉर आपके याद करने के लिए, ताकि आप कुछ चीज़ों को रिलेट अपने दिमाग में थोड़ा रिटेन कर सकें, क्योंकि बहुत सारे नाम है बच्चों, तो दिमाग में रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। कि इस तरीके से आप किसी भी तरीके से आप कुछ अपने कोड वर्ड्स बना लीजिए, है ना। मार्को पोलो, यूरोप टू चाइना एंड मंगोलिया। ठीक है जी, तो आज के लिए 20 क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।